दोस्तों आज जो है वीडियो बना रहे हैं हम कि वाल किस तरीके से जो है बोर किया जाता है, वाल को किस तरीके से बनाया जाता है। वाल हेड में 70 cc का हेड है ये, और उसका ये वाल हैं दोनों लगे हुए। तो ये हम लैथ मशीन पे लेकर आए दोस्त हैं हमारे, उनके पास। तो यहाँ पर हम वाल की सीटें बनवाएंगे, तो वाल इसमें हम नए लगवा रहे हैं। तो ये इसका टूल है जो इसमें वाल सीट बैंडिंग भी होती है, तो इसको ड्रिल मशीन के ऊपर लगा कर ग्राइंडर पे लगा के इसको फेस किया जाता है। इसको देखिए इस तरीके से फेस होता है इसमें। ग्राइंड होता है एक तरह से ये, और सीट बिल्कुल फेस की कर दी जाती है बिल्कुल वॉल के एज के हिसाब से, जो वॉल बिल्कुल उसके ऊपर बैठ जाए जगह पे। पेट्रोल या एयर जो है वो इसमें से बाहर ना निकले ये भी वॉल बंद हो। तो ये दूसरा वॉल भी है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है वॉल। बड़ा वाल जो है एग्जॉस्ट के लिए होता है, और छोटा वाल जो है वो पेट्रोल के लिए होता है। ये हमारे पास इसकी सीटें बना दी हैं। उसके बाद ये इस पर एमरी पेस्ट लगा कर उसको पॉलिश करते हैं, या फिर बिल्कुल एकदम माइनर सा रिगमाल होता है वो, उसकी मदद से इसको जो है वो और फाइन किया जाता है, ताकि बिल्कुल एयर का और पेट्रोल का जो सिस्टम है वो लीक ना हो। तो ये हम इसमें एमरी लगा देते हैं, और उसके बाद इसको हम ड्रिल मशीन की मदद से इसकी ग्राइंडिंग करते हैं। सिलेंडर के लिए, बोर के लिए वीडियो एक और है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि बोर किस तरीके से किया जाता है सिलेंडर का। और ये वॉल्व है 70 cc बाइक के। तो ये आज देखिएगा, ये अंकल है हमारे, ये इसमें जो है सीट को पॉलिश कर रहे हैं। वॉल की जो सीट हैं पॉलिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी चाहिए होती है इसमें। देखिए ये ऊपर से फिल्म पेंट उन्होंने लगाया हुआ, और नीचे से इसको एमरी पेस्ट लगा कर इसको ग्राइंड कर रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भाई कर दीजिएगा। ये हमारा फाइनल की तरफ है, और फाइनल होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पोजीशन क्या होती है इसकी। ये देखिए ये पोजीशन आती है इसकी, ये पोजीशन आती है इसकी। तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।